नमस्कार दोस्तों, विनीत एग्जॉटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का अपना वीडियो का टॉपिक है अंडे से बच्चा कैसे निकलता है या अंडे में बच्चा कैसे बनता है। तो जैसे हम हमारे सेटअप में आए और ग्रीन चिक कुनूर का मतलब जो कुनूर है उनका बॉक्स चेक किया तो हमें अंडा चलते हुए दिख रहा था। जैसे आप भी वीडियो में देख रहे हैं, हमें भी ताजुब हुआ कि अंडा कैसे चल सकता, लेकिन गौर से देखने के बाद पता चला कि उसमें से बच्चा बाहर निकल रहा है। एक साइड सेल टूटा हुआ है और उसके वजह से अंडा चलने का एहसास हो रहा था। तो हमने भी सोचा कि क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अंडा दे मतलब अंडे तो दे दिए बहुत सारे लेकिन बच्चे नहीं निकले, तो उसके ऊपर आज कवर करने की कोशिश करेंगे और कौन से अंडे से बच्चा निकलता है ये भी बताने की कोशिश करेंगे। अभी आप भी आपको भी दिख रहा है कि वो अंडा का सेल तोड़ के बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ये तो दिखता रहेगा। वैसे तो अंडे से बच्चा बाहर आने के लिए 15-20 मिनट का टाइम लगता है, तो हमने छोटा छोटा क्लिप शूट करके मतलब एक आपको समझाने के लिए करना पड़ा, क्योंकि 15-20 मिनट का वीडियो बनाते तो देखने भी मज़ा नहीं आता और समझ भी मज़ा नहीं आता। तो हमारा जो सब्जेक्ट है कि अंडे से बच्चा कैसे कब निकलता है, तो जैसे कोई भी बर्ड हो बजे से लेकर बड़े बर्ड तक, कुनूर्स बोलो या बड़े बर्ड, तो 7-8 अंडे देते हैं। कुनूर वगैरह तो 5-4 या 5 ही मैक्सिमम 5-6 भी देते, लेकिन बड़े बर्ड है तो वो 1 या 2 या 3 ही अंडे देते, लेकिन बजीज वगैरह 7-7, 8-8 अंडे देते। तो जैसे ही अंडे देना चालू किया तो अगर फीमेल ने पहला अंडा दिया और सेकना चालू किया तो उसके जब से सेकेंगे, या कोई बर्ड जो है पूरे अंडे 7-8 अंडे दे देता और उसके बाद सेकना चालू कर देता, तो सेकने के बाद जैसे सेकना चालू करेगा आपको मतलब समझ में ये आएगा कि जो फीमेल है वो मैक्सिमम टाइम मटकी के अंदर या ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर बैठी रहती है, बाहर आती ही नहीं है, खाली दाना पानी थोड़ा सा खाने के लिए आती है या फीमेल ही फीड कराता है। तो उस कंडीशन में समझना है कि आपको आपके मतलब बर्ड जो है अंडा सेकना चालू किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे अंडा सेकना चालू किया तो अंडा में बच्चे बनने के लिए 18 से 21 दिन लगते हैं, क्योंकि हम तो कोई डॉक्टर नहीं है। हम इसके ऊपर जो हमने प्रैक्टिकली देखा है वही बताने की कोशिश की है कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि 18 से 22 दिन कैसे, जैसे ठंडी की दिन चलते हैं तो ठंडी के दिनों में 21-22 दिन भी लगते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में 18 दिन में बच्चा बनना चालू कर देता, क्योंकि हैचिंग के लिए जो टेम्परेचर रहता वो प्रॉपर मिल जाता है। और उसके वजह से उस दूसरा एक रोल नेस्टिंग मटेरियल का भी होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल जो है वो फीमेल ने आजू बाजू कर दिया, हमने बहुत सारा नेस्टिंग मटेरियल दिया था, उसके बावजूद भी बर्ड को लगता है जैसे जिस हिसाब से उस हिसाब से वो अपना नेस्टिंग बना लेता है। तो नेस्टिंग का भी बहुत रोल रहता है, क्योंकि अगर बर्ड को अंडे को ठंडी लगेगी तो फर्टिलिटी होने के लिए टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम मतलब 18 से 22 दिन के अंदर बच्चा आना चालू हो जाता। वैसे तो अंडे के अंदर जो है बर्ड ने अंडा सेकना चालू किया तो 5-6 दिन में ब्लड लाइन बनना चालू हो जाती, मतलब बच्चा बनना चालू हो जाता, ये हमारे देखने में आया है। तो वही आज बताने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स आते हैं कि अंडा दे दिया लेकिन बच्चे कब निकलेंगे। आपको समझ में आ ही गया कि बच्चा निकलने के लिए कम से कम 18 से 20 दिन लगते हैं। तो और बीच बीच में अभी जैसे ये आप अंडा देख रहे हैं, बीच बीच में जो हमारा कुनूर बर्ड है ये डर इसलिए रहा है कि ये थोड़ा टेम है, मतलब हमारे घर का ही पुराना बर्ड है और फ्रेंडली हो गया था इसलिए हमसे डरता नहीं। वैसे और एक चिक्स पहले निकला है, वो कब निकला ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि बार बार देखना भी गलत होता है। अभी आप देख रहे हैं कि उसको अंडे को उसने फीमेल ने अपने पेट के नीचे ले लिया, वैसे ही चलता रहेगा 15-20 मिनट, फिर अंडा चल के बाहर आ जाता। अभी देखिए काफ़ी एग्स का सेल जो है वो टूट गया, तो इस अब बात करेंगे कि अंडे के अंदर बच्चा कब बनेगा। तो मेन इसमें ये भी होता है कि सभी तरह के अगर विटामिन प्रोटीन अगर मिलते रहेंगे तो अंडे में फर्टिलिटी बढ़ेगी, और साथ में कैल्शियम का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो एग सेल बनाने के लिए कोई सपोर्ट करता है, और अगर कैल्शियम की कमी है तो जो एग सेल है वो कमज़ोर बनेगा, मतलब अंदर का जो बल्क है वो बच्चा बनने के पहले ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए बर्ड के अंदर, इसलिए कैल्शियम के लिए आप ऑस्ट्रोइड दे सकते हैं या नेचुरल जो फूड होते हैं वो, मतलब जैसे हम सीड मिक्स देते हैं, तो आपने भी सीड मिक्स का वीडियो देखा होगा तो देख लीजिए, नहीं देखा होगा तो देख लेना। 12 तरह के दालें वगैरह हम खिलाते हैं और उसमें फल साग सब्जी ये तो कंपलसरी है बड़े बर्ड को, क्योंकि बड़े बर्ड जो है सीड मिक्स बहुत ही कम मतलब 30% के आसपास ही खाता है,
इसलिए उसको सॉफ्ट फूड और वेजिटेबल शाक सब्जी जो फल है वो बहुत जरूरी होता है, और फल में वगैरह पूरी तरह से उनको विटामिन कैल्शियम मिल जाता है। लेकिन अपना सेटअप जो है वो छाँव में होता है, धूप मिलती नहीं, इसलिए उनको बीच बीच में डी3 देना पड़ता है, और डी3 के लिए एमरल का यूज आप कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मतलब जैसे जैसे अंडा फूटता जाएगा और बर्ड को जो अंदर का चिक्स है उसको हवा लगती रहेगी तो उसका साइज गेन होता रहेगा, क्योंकि आप अंडा तो छोटा सा देख रहे हैं लेकिन बर्ड जो चिक्स है वो बाहर आने के बाद उसका साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि हवा लगने से उनका साइज ग्रो होता है और वैसे अंडे का सेल टूट जाता है। तो अभी आगे देखेंगे, हमने तो मतलब पूरा वीडियो शूट किया 10-15-20 मिनट बैठे, लेकिन 15-20 मिनट का वीडियो ना बना के उसको जो जो मेन पॉइंट थे उसको ही हमने क्लिक करने की कोशिश किया। तो अभी बात करेंगे कि जैसे आपका अंडा भी सही है, विटामिन कैल्शियम भी दिया है, लेकिन वेदर का भी बहुत रोल होता है इसके अंदर। अगर वेदर में ह्यूमिडिटी अगर 50% के आसपास नहीं रही, तो अगर कम रही तो वो डेड इन सेल होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि नमी बहुत मायने रखती है। अगर नमी कमी है वेदर के अंदर, मतलब एटमोसफेयर के अंदर पानी की अगर कमी है, तो डेड इन सेल होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं कि बर्ड ने मतलब जो चिक्स था उसने पूरा सेल तोड़ के बाहर आ गया, और साइज देखिए अंडे के हिसाब से उसका साइज तुरंत ही बड़ा दिख रहा है आपको, क्योंकि जैसे जैसे उसको हवा लगती है वैसे वैसे वो साइज बढ़ता रहता है। और इसके जो पेरेंट्स है वो तो सिरेमन है एक, और एक एलोसेडेड है, फीमेल जो है वो एलोसेडेड है और मेल जो है वो सिरेमन है। तो इस तरह से मतलब अंडे से बच्चा बाहर आता है, ये हमें लकीली मिल गया, इसलिए हमने शूट किया और आपको दिखाया। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो।